अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BKB एंटरटेनमेंट सेंटर व्लॉग्स। आज मैं आलू के फ्राइज़ बना रही हूँ। ये आलू को आप छिल के अच्छे से बुरकश जो हम लोग कद्दू का कसते हैं ना, उससे कस लेना चाहिए। आलू को धो के ठंडे पानी में, फिर ये गर्म पानी में इसको उबाल लेना चाहिए। 2 मिनट के लिए उबालना चाहिए आलू को बस पानी में। अब ये आलू को हम निकाल लेंगे, इसमें अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। जब भी आप आलू को निकाल लेते हैं उसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद में कॉर्नफ्लोर मिक्स करना चाहिए उसमें। ये देखिए अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर में मिक्स हो चुका है आलू। अब पैन में हम लोग तेल डाल के इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। अब हम इसमें पोटैटो फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है तेल और फ्राइज भी अच्छे से तले जा रहे हैं। इस तरीके से आप लोग ब्राउन कलर के हुए तक निकाल लेना चाहिए। इसमें हम लोग नमक मिर्ची डाल के मिक्स कर लेंगे ये पोटैटो फ्राइज को अच्छे से। बहुत क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज होते हैं ये। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए। ये इवनिंग स्नैक्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी आलू नहीं पसंद आते हैं उन लोगों को इस तरीके से बना के खिलाए तो बहुत शौक से खाएंगे। मेरे चैनल BKB एंटरटेनमेंट्स एंड टू ब्लॉग्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।